दोस्तों, ग्रेवी प्रीमिक्स की क्लास में आज मैं महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स से बनी सब्जी का टेस्ट आपको अपने घर की बनी हुई सब्जी से एकदम डिफरेंट और डिलीशियस दिखाई देगा। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स से आप कोई सी भी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैंने इस प्रीमिक्स से भिंडी मसाला और बैंगन मसाला दोनों ही बनाकर तैयार किए। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स से आपकी सब्जी पाटीदार बनकर तैयार होती है। जितनी जल्दी प्रीमिक्स बनकर तैयार होता है, उतनी ही जल्दी से प्रीमिक्स से सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स बनाने के लिए आपको लेना है पैन। पैन में डालनी है 3 बड़े चम्मच कच्ची मूँगफली की गिरियाँ। कच्ची मूँगफली की गिरी को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करना है। मूँगफली की गिरी के हल्का सा रोस्ट होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच काजू, 1/2 बड़ा चम्मच हरी सौंफ। सौंफ से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच जीरा। अब मैं इन सबको हल्का सा रोस्ट करूंगी। मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। 30 से 35 सेकंड के लिए इसको हल्का सा भूनना है। इन सबके हल्का सा भून जाने के बाद मैं कर रही हूँ गैस को बंद। गैस को बंद करके आपको इसमें डालने हैं 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को स्किप करके आप खरबूजे की गिरी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें डालना है 1.5 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। सफ़ेद तिल और कोकोनट बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसलिए आपको इसे बंद गैस पर 0.5 मिनट के लिए हल्का सा भूनना है। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना। यह खाने में कम तीखी होती है, कलर देने का ज़्यादा काम करती है। इसको स्किप करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेना है, 1/2 छोटी चम्मच लेना है हल्दी पाउडर। इसके बाद आपको लेना है 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर। मार्केट में अदरक का पाउडर रेडीमेड मिलता है, आप यहाँ पर रेडीमेड या फिर घर का बना हुआ अदरक का पाउडर यूज कर सकते हैं। प्रीमिक्स की क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। सब्जी के स्वाद को औसम बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला आप घर का बना हुआ या फिर मार्केट का कोई सा भी डाल सकते हैं। घर पर किचन किंग मसाला कैसे बनाया जाता है, उसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्वाद के लिए इसमें डालना है 1/8 छोटी चम्मच हींग। सारे मसाले डालकर मैं इन सबको बंद गैस पर हल्का सा भूनूंगी। मसालों को भूनने से मसालों में जो नमी होगी वह नमी निकल जाएगी, मसाले हल्के से गर्म हो जाएंगे और मसालों में खुशबू वैसी की वैसी बनी रहेगी। साबुत सौंफ और जीरे की जगह आप सौंफ और जीरे का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मसालों को गर्म पैन में हल्का सा भूनने के बाद आपको इन्हें छूकर देखना है कि मसाले गर्म हुए या नहीं हुए। मसाले के गर्म हो जाने के बाद तब आपको इन्हें करना है बाउल में। प्रीमिक्स बनाने के लिए मसाले गर्म हो गए हैं, अब मैं इसको करने वाली हूँ एक बाउल में। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स बनाना बहुत ही आसान है, यह बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। जल्दी बन जाने के साथ साथ इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा सुपर है। पैन में डालना है 1/4 कप के करीब कटा हुआ हरा धनिया। धनिया के डंठल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर धनिया को डंठल सहित कट किया है। इसके साथ साथ आपको लेने हैं करी पत्ता, 10 से 12 करी पत्ते लेने। हरे धनिए और करी पत्ते को मीडियम आंच पर भूनना है। इसको तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर जो मॉइस्चर है वह मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। इन दोनों को भूनने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, हरे धनिए और करी पत्ते में जो मॉइस्चर था वह मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। इसको भी मैं करूँगी बाउल में। अब मैं पैन में डाल रही हूँ 1/2 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी को लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है। सूजी से ग्रेवी में गाढ़ापन आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनकर आता है। सूजी को भूनते समय सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा 0.5 से 1 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए 0.5 से 1 मिनट हो गया, सूजी भी भून चुकी है। सूजी को भी मैं कर दूंगी उसी बाउल में। बारीक सूजी की जगह आप 1/2 बड़ा चम्मच बारीक बेसन भी ले सकते हैं। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए मैं इन सभी इंग्रेडिएंट को ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब ये सब ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। सभी इंग्रेडिएंट के ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालकर मैं इसको 15 से 20 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। ज़्यादा घुमाने से मूँगफली गिरी और काजू का तेल अलग हो सकता है, इसलिए आपको इसे 15 से 20 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाना है। ये देखिए मिक्सी में घुमा दिया। मिक्सी में घुमाने के बाद इसको करना है वापस उसी बाउल में। ग्रेवी में क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए आपको लेना है 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ग्रेवी में स्वाद अच्छा बनकर आएगा और आपकी ग्रेवी एकदम क्रीमी सी बनकर तैयार होगी। आप अपने प्रीमिक्स को ऑनियन और गार्लिक फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑनियन पाउडर और 1 छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर डालना है, या फिर ग्रेवी बनाते समय प्याज और लहसुन डाल सकते हैं।
मारिस्टियन ग्रेवी प्रीमिक्स को आप फ्रिज से बाहर 1 महीने और फ्रिज में 3 से 4 महीने आसानी से रख सकते हैं। प्रीमिक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इससे सब्जी कैसे बनाई जाती है, सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैं टमाटर में क्रॉस का कट लगाते हुए टमाटर को डाल रही हूँ गर्म पानी में। टमाटर का छिलका अलग करने के लिए इसको 3 से 4 मिनट के लिए पानी में पकाना है। टमाटर का छिलका अलग हो गया है। टमाटर को पानी में से निकाल कर इसका छिलका अलग करके इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और इसकी प्यूरी बनाकर तैयार करूंगी। भिंडी मसाला बनाने के लिए भिंडी को बड़े बड़े पीस में कट करना है और इसको डालना है तेल में तलने के लिए। भिंडी के साथ साथ आप इसमें डाल सकते हैं स्लाइस में कट करके 2 से 3 हरी मिर्च। महाराष्ट्रियन भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए तेल में तलना है। थोड़ी देर में ही भिंडी हमारी तल चुकी है, इसको मैं करूँगी 1 प्लेट में। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स के साथ आप कोई सी भी सब्जी बना सकते हैं। जौन सी भी सब्जी बना रहे हैं उस सब्जी को तेल में तलना है या फिर थोड़ी देर के लिए गैस पर पकाना है। अगर आप अपनी सब्जी को तलना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी सब्जी में थोड़ा सा नमक और तेल डाल करके गैस पर पका सकते हैं। पैन में डालना है 1 से 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैं ओलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप तेल कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 250 ग्राम भिंडी के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप टमाटो प्यूरी, जिसको मैंने बनाकर तैयार किया था। एक बड़े साइज के टमाटर से आपकी 1/4 कप टमाटो प्यूरी बनकर तैयार होती है। प्यूरी को तेल के साथ 0.5 से 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए प्यूरी हमारी पक चुकी है, इसमें जो तेल था वह तेल अलग हो गया है। प्यूरी के पक जाने के बाद ही आपको इसमें डालना है 1/4 कप महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स। मैं यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी के हिसाब से प्रीमिक्स ले रही हूँ, क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 0.5 कप पानी डालना है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पानी बाद में और डालना है। प्रीमिक्स को पानी के साथ मिक्स करते हुए मैं इसको पकाऊंगी। जैसे जैसे प्रीमिक्स पकता जाएगा ग्रेवी हमारी गाढ़ी होती जाएगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी पकते पकते कितनी गाढ़ी होगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। भिंडी मसाला बनाने के लिए ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी कितनी पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डालना है। मैं इसमें 1/4 कप के करीब और पानी डाल रही हूँ। पानी डाल करके आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसका जो ऑयल है वह ऑयल सेपरेट ना हो जाए। प्रीमिक्स को थोड़ी देर और पकाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर और पकाने के बाद इसमें जो तेल था वह तेल अलग होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ भिंडी। ग्रेवी बनाते समय गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते रहना। महाराष्ट्रियन ग्रेवी के साथ भिंडी मसाले की रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यह सब्जी देखने में और खाने में दोनों तरीके से होटल स्टाइल बनकर तैयार होती है। मंदी आंच पर ग्रेवी के साथ भिंडी को हल्का सा पकाना है। जैसे जैसे आप इसको पकाओगे इसका टेक्सचर इसका रंग आपके मन को बहुत ज़्यादा लुभाने वाला है। मैं गारंटी से कहती हूँ आप इसके दीवाने होने वाले हो। भिंडी को थोड़ी देर ग्रेवी के साथ पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी भिंडी मसाला एकदम होटल स्टाइल बनकर तैयार हुई है। आप अपने खास मेहमानों के लिए इस सब्जी को ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्जी आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। भिंडी मसाला बन जाने के बाद इसको करना है टेस्ट, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च का फ्लेवर रखना है। मुझे भिंडी मसाला में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक को मिक्स करके यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है महाराष्ट्रियन स्टाइल में भिंडी मसाला। इस तरीके से आप कोई सी भी सब्जी को बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स बना रखा है तो ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मेहमानों के आने पर आप एक नहीं दो नहीं अलग अलग टाइप की बहुत सारी सब्जियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रीमिक्स से आप बैंगन मसाला भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम बैंगन। बैंगन आप कोई सी भी शेप के ले सकते हैं और कोई सी भी शेप में कट कर सकते हैं। डंठल के साथ छोटे बैंगन लेकर उसमें 4 कट लगा करके उनको भी ले सकते हैं। बैंगन को तेल में तलना है या फिर थोड़े से तेल और नमक के साथ हल्का सा पकाना है। जिस तरीके से मैंने भिंडी को तेल में तला था उसी तरीके से बैंगन को तल रही हूँ। मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डाला है। बैंगन के साथ साथ हरी मिर्च भी तेल में तल जाएंगी। बैंगन तल चुके हैं, अब मैं ग्रेवी बनाकर तैयार करूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच तेल। आप अपनी इस सब्जी को प्याज के साथ भी बना सकते हैं। प्याज के साथ बनाने के लिए 1 बड़ी प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तेल में डालना है। प्याज के साथ साथ आप इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियों को चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। प्याज को सुनहरा होने तक तेल में भूनना है। जैन स्टाइल बैंगन मसाला बनाने के लिए प्याज को स्किप करके जिस तरीके से हमने भिंडी मसाला बनाया था उस तरीके से आप बैंगन मसाला बना सकते हैं। प्याज सुनहरी होने तक भून चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 0.5 कप टमाटो प्यूरी। 0.5 कप यानी कि 2 टमाटर से आपकी टमाटो प्यूरी बनकर तैयार होती है। टमाटो प्यूरी को भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा पकाना है। टमाटर प्यूरी के पक जाने के बाद 300 ग्राम बैंगन के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 0.5 कप महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स। सब्जी बनाते समय ग्रेवी आपको कितनी कम कितनी ज़्यादा रखनी उस हिसाब से भी प्रीमिक्स डाल सकते हैं।
प्रीमिक्स को आप पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसको टमाटर और प्याज के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों के साथ मिक्स करके तब इसके बाद पानी डाल सकते हैं। प्रीमिक्स को मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। 1 कप पानी के साथ प्रीमिक्स को मिक्स करके जितनी मुझे पानी की आवश्यकता पड़ेगी मैं इसमें पानी और डालूंगी। प्रीमिक्स के साथ पानी आपको एडजस्ट करना है, जैसे आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालना है। ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद ग्रेवी पक चुकी है, मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाला था। ग्रेवी को पकाते पकाते इसमें जो तेल था वह तेल अलग हो चुका है। ग्रेवी के अच्छे से पक जाने के बाद ही आपको इसमें डालनी है अपनी कोई सी भी सब्जी। इस तरीके से आप बहुत जल्दी आसान तरीके से बने हुए प्रीमिक्स से बैंगन मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। बैंगन डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है। देखा ना आपने, अगर आपका प्रीमिक्स बना रखा है तो आप उस प्रीमिक्स से कितनी जल्दी और आसान तरीके से सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं कोई सी भी। बैंगन के पक जाने के बाद आपको इसे टेस्ट करना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च का फ्लेवर रखना है। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ पर हमारी टेस्टी टेस्टी ग्रेवी के साथ बनकर तैयार हो जाती है टेस्टी टेस्टी सब्जी, जो देखने में होटल जैसी और खाने में भी होटल जैसी है। दोस्तों देर मत कीजिएगा, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं, उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको रुपये पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को सेम रेसिपी के साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के एकदम फ्री देख सकते हैं। वे सभी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, उसके लिए आपको रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फटाफट से बन जाने वाली महाराष्ट्रियन स्टाइल सब्जी को बनाने के लिए आपको अपने इस महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स को बनाकर तैयार रखना है। आप अपनी इस सब्जी को चपाती के साथ, नान के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस क्लास में और भी बहुत सारी सब्जियों के अलग अलग टाइप के प्रीमिक्स हैं, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उन सभी प्रीमिक्स की रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारे महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस रेसिपी को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और न्यू फ्लेवर से बने प्रीमिक्स की रेसिपी जिससे आपकी सब्जी बन सकती है झटपट, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।